वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो चीज़ें। एक तो ये है TPA 3255 का एम्पलीफायर और दूसरी चीज़ है 48 वोल्ट का SMPS, जिससे कि आप इस बोर्ड को पावर सप्लाई दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस एम्पलीफायर के बारे में। आप जानते हैं कि TPA 3255 एक हाईफाई एम्पलीफायर है और काफ़ी पावरफुल एम्पलीफायर है। ये बोर्ड जो मैं आपको डेमो में दिखा रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी क्या है और कितनी इसमें पावर है। इसके अलावा इन दोनों चीज़ों को ख़रीदने के लिए मैं आपको एक न्यू वेबसाइट का लिंक दूंगा, जहाँ से ये काफ़ी अच्छे प्राइसेस में अवेलेबल है। तो इन सब डिटेल्स को जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसकी ऑडियो क्वालिटी सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। तो जो लोग भी एक हाई फाई साउंड पाना चाहते हैं और साथ में ही काफ़ी पावरफुल ऑडियो परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। TPA 3255 IC को हम बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली 4 चैनल्स होते हैं, तो आप इसको 4 चैनल्स में यूज़ कीजिए, या फिर स्टूडियो में यूज़ कीजिए, या फिर मोनो में भी यूज कर सकते हैं। मोनो अगर यूज़ करेंगे आप तो 600 वाट की पावर इस एक IC से मिलती है। फिलहाल में मैं जो ये बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ, ये 2.1 कॉन्फिगर्ड है। इसमें एक लेफ्ट और राइट और एक बेस चैनल है। इस बोर्ड के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसका बेस 300 वाट RMS का है और लेफ़्ट और राइट 150 वाट प्लस 150 वाट RMS का है। तो उस हिसाब से ये काफ़ी पावरफुल बोर्ड है। और इस पर्टिकुलर बोर्ड को प्रॉपर वर्किंग के लिए 30 वोल्ट DC से लेकर 51 वोल्ट DC तक आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे 48 वोल्ट DC दें तो ये बिल्कुल सेफ भी रहेगा और अच्छे से काम भी करेगा। वैसे ये कम पर भी काम करता है, 16 वोल्ट के ऊपर इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, 19 वोल्ट के अडैप्टर से भी काम करेगा, बट उस टाइम में इसकी पावर नहीं मिलेगी। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये 600 वाट का है, पावर सप्लाई भी 600 वाट या उससे ज़्यादा की रखनी चाहिए, तभी आपको इससे फुल परफॉर्मेंस मिल पाएगा। तो ये पर्टिकुलर SMPS जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 600 वाट का है, तो ये इसके लिए एनफ है। इसका डिटेल भी मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो इससे पहले कि इस बोर्ड के बारे में मैं आपको और डिटेल बताऊं और इसका रिव्यू वगैरह साउंड टेस्ट वगैरह करें, इसके अंदर जो IC लगी है वो मैं आपको दिखा देता हूं और साथ में ही उस IC का क्या स्पेसिफिकेशंस है, ये सारी चीज़ें मैं डेटा शीट के हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसकी IC को देखने के लिए इस हीट सिंक को निकालना पड़ेगा। ये बहुत ईजी है, इसके पीछे 2 स्क्रूज दिए हुए हैं, दूसरा ये निकल गया और यहाँ पर पेपर वॉशर लगा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, इस बोर्ड को आप वापस लगाइएगा तो इस वॉशर के साथ ही लगाइएगा, अदरवाइज आपकी IC शॉर्ट हो सकती है। और यहाँ पर आपको 3255 की मार्किंग मिल जाती है और इस बोर्ड का लेआउट भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, सामान भी अच्छी क्वालिटी के दिखाई दे रहे हैं। और ये रही इस IC की डेटा शीट, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने इस IC को बनाया है। अभी तक जितने भी मैंने एम्पलीफायर आपको दिखाए हैं वो सभी बजट वाले एम्पलीफायर थे, बट ये एक हाई इंड एम्पलीफायर है, हाई फाई एम्पलीफायर है, तो इसका बजट भी थोड़ा ज़्यादा है और क्वालिटी भी ज़्यादा है। तो पहले ही पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि 315 वॉट स्टीरियो 4 ओम पे दे सकती है और 185 ऑफ स्टीरियो 8 ओम पे दे सकती है और 600 वॉट मोनो PBTL पे दे सकती है 2 ओम पर। ये 10% पे इसका था जो कि एडवर्टाइज डेटा होता है, बट एक्चुअल में आप चले आइए तो एक्चुअल में भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 1% पे भी अगर हम लेते हैं तो 1% पे इससे 260 वाट स्टीरियो आप 4 ओम में ले सकते हैं, 150 वाट स्टीरियो 8 ओम में ले सकते हैं और 480 वाट मोनो 2 ओम में ले सकते हैं। और एक चीज़ पे स्पेशल अटेंशन देखिए कि यहाँ पे सिग्नल बैंड विड्थ जो है वो 100 किलो हर्ट्ज़ तक की है। आप जानते हैं कि हमारी ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो है 20 किलो हर्ट्ज़ तक मैक्सिमम जाती है, बट ये एम्पलीफायर पर्टिकुलरली 100 किलो हर्ट्ज़ तक की ऑडियो फ्रिक्वेंसीज़ को जनरेट कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इस हिसाब से इसका हाई फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और पॉप अप नॉइज़ वगैरह इस चिप में काफ़ी कम है। और आजकल का जो कंटेंट आता है, हाई डिफिनेशन कंटेंट या हाई रिजोल्यूशन कंटेंट, यानी कि जो हम ज़्यादा बिट रेट वाला ऑडियो सुनते हैं, अगर आप किसी प्रीमियम ऑडियो सर्विस को सुनते हैं जैसे कि सावन या स्पॉटिफाई या अमेजन वगैरह में, जहाँ पर आप ज़्यादा बिट रेट का सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, तो उसके लिए एम्पलीफायर काफ़ी सुटेबल है। और इस IC का पिन पैकेज 44 पिंस का है और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 ओम पर आप देखिए 100 वाट तक और 4 ओम पर आपका लगभग 200 वाट तक 0.1 के नीचे ही है, यानी कि डिस्टॉर्शन अल्ट्रा लो है, बहुत ही अच्छा फिगर इसे माना जाएगा। और ये एम्पलीफायर क्लास AB की कंपेरेबल है हाई फाई डायनेमिक्स में।
पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि क्लास डी एम्पलीफायर में किस फ्रीक्वेंसी पर ये एम्पलीफायर स्विच कर रहा है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे स्विच करता है उतनी ही क्लीन ऑडियो हमें मिलती है। पहले जो भी एम्पलीफायर मैंने आपको दिखा है TP3116 वगैरह का, तो उनकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 320 किलोहर्ट्ज़ तक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जाती थी, बट इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी 450 किलोहर्ट्ज़ है। इसकी वजह से ऑडियो बहुत ही हाई फाई आती है और हाई फ्रीक्वेंसीज काफ़ी क्लियर आती है। अभी डेटा शीट तो हो गया, चलिए इस पर्टिकुलर बोर्ड की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ कंट्रोल लगे हुए हैं, एक आपका वॉल्यूम है, एक बेस और एक ट्रिबल है, और साथ में ही इसमें ऑप एम्प NE5532 जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। प्री एम्प सेक्शन में उसे यूज़ किया गया है, तो यहाँ भी क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। साथ में ही ये सारे कैपेसिटर वगैरह भी अच्छी क्वालिटी के हैं। यहाँ पर एक आपको ऑन ऑफ स्विच भी मिल जाता है। इस आईसी की एक खास बात ये है कि इस आईसी का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि इसको आपकी मेन सप्लाई यानी कि इधर से जो भी आ रही है 48 वोल्ट या 51 वोल्ट, उसके अलावा इसको एक फिक्स 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। तो बिकॉज दो टाइप की सप्लाई देना हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, इसलिए इस बोर्ड मैन्युफैक्चरर ने यहाँ ऑन बोर्ड ही आप देखेंगे तो एक 12 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है जो आने वाली 60 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके इस आईसी की सुटेबल पिंस पे जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे देता है ताकि ये आईसी प्रॉपर फंक्शंस को कर सके। और इसके अलावा जितने भी प्रोटेक्शंस होते हैं, ओवरलोड, ओवर टेम्परेचर, यहाँ तक कि स्पीकर प्रोटेक्शन भी इस आईसी में इनबिल्ट है, तो प्रोटेक्शन सारे तरह के इनबिल्ट हैं, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस बोर्ड में सबवूफर का आउटपुट ये दोनों है, तो ये आपका ब्रिज मोड में जुड़ा हुआ है, और उसके अलावा लेफ्ट और राइट आपका सिंगल इंडेड मोड में है, और क्वाइल्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगाई गई हैं, तो क्वाइल हीटिंग वाली प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये चलाते समय मैं आपको टेम्परेचर मेज़र करके दिखाऊंगा। और ये कनेक्टर्स इसमें लगे नहीं होते हैं, ये कनेक्टर्स मैंने लगाए हैं, यहाँ पर पॉइंट होता है, यहाँ पर स्पीकर के पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप वायर्स कनेक्ट कर सकते हैं। पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर एक डीसी जैक पिन दिया हुआ है, और अगर आप इसको फिक्स इंस्टॉलेशन में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ कैपेसिटर के साथ पे पावर सप्लाई दे दीजिए। और फिल्टर कैपेसिटर भी देखिए 80 वोल्ट का लगा हुआ है। और इनपुट सिग्नल्स देने के लिए दो RCA कनेक्टर्स दिए हुए हैं जिससे आप लेफ्ट और राइट का इनपुट इस बोर्ड को दे सकते हैं। और ये बोर्ड भी फाइबर का बना हुआ है तो काफ़ी अच्छा स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग बोर्ड है। और बिकॉज मैं इसको इस SMPS पावर सप्लाई से चलाने वाला हूँ, आप ट्रांसफार्मर से भी चला सकते हैं, बिकॉज इसको सिंगल पावर सप्लाई चाहिए यानी कि प्लस और माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी चलाइए। बट क्लास डी एम्पलीफायर लेने का हमारा मेन लॉजिक होता है कि एम्पलीफायर छोटा, हल्का हो और स्पेस सेविंग हो, तो इसके साथ SMPS पावर सप्लाई ही मैच करती है। तो ये मेरे हाथ में एक 48 वोल्ट का SMPS है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे स्ट्रिप टर्मिनल्स दिए हुए हैं, ये तीन टर्मिनल्स ग्राउंड के लिए दिए हैं और ये तीन टर्मिनल्स पॉजिटिव के लिए, और ये इसका पावर सप्लाई इनपुट सेक्शन है यानी कि यहाँ पर आप 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं जो कि फिल्टर और रेक्टिफाई होकर पहले डीसी में चेंज होता है, फिर इन स्विचिंग मॉस्फेट्स और इस सर्किट की हेल्प से इसको हम हाई फ्रिक्वेंसी एसी में चेंज करते हैं, और फिर से उस हाई फ्रिक्वेंसी एसी को ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन करके रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो SMPS का मेन बेनिफिट यही है कि ये हल्का होता है। अभी अगर आप 600 वाट का एक ट्रांसफार्मर लेने जाएंगे तो काफ़ी भारी भरकम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इन चीज़ों का लिंक दिया हुआ है, इन क्वेश्चन का भी लिंक दिया है और अमेजन का भी लिंक दिया है, आप दोनों लिंक को क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या प्राइस है, और जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर बोर्ड के लिए अगर आप लेफ्ट राइट चैनल की बात करें तो 50 वाट से ऊपर का कोई भी स्पीकर ले सकते हैं, 50 वाट से लेकर 200 वाट तक का स्पीकर आप लेफ्ट राइट चैनल पर यूज कर सकते हैं। सब बुफर चैनल पर इसके आप 100 वाट से लेकर 300 वाट तक का कोई भी सब बुफर यूज कर सकते हैं। आइए अब इसको टेस्ट करते हैं हम पावर सप्लाई में लगा के कि किस तरीके से ये काम करता है। बेस काफी ज्यादा है, अगर मैं तेज करूंगा तो आवाज क्लियर नहीं आएगी जैसा कि आपको सुनाई दे रहा होगा।
अभी टेम्परेचर कितना है आप देख सकते हैं, 32 टेम्परेचर था, नॉर्मल रूम का टेम्परेचर 32 है, बट अभी हमारा 44 डिग्री पे आ चुका है हीट सिंक। और क्वाइल्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, क्वाइल्स बिल्कुल भी हीट नहीं है, या बोर्ड भी कहीं पे हीट नहीं है, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ही है, बट ये हीट सिंक थोड़ी सी हीट हो चुकी है, 47 आ चुकी है। और मैं थोड़ा इसको पुश करता हूं ताकि थोड़ी सी और हीट हो जाए। आप देख रहे हैं कि क्वाइल्स बिल्कुल भी हीट नहीं हो रही है, और मेन हमारे आईसी की जो हीट सिंक है वो थोड़ी हीट हो रही है, तो उसका हीट होना तो नेचुरल है क्योंकि जब काम करेगी आईसी तो हीट होगी, बट वो इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है। अगर आपको फैन यूज करना है छोटा सा तो फैन यूज कर सकते हैं, और इस SMPS में भी कहीं कोई हीटिंग नहीं है, बहुत ही नॉर्मल टेम्परेचर है। सारा ऑडियो सेटअप ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और इस बोर्ड और इस SMPS की हेल्प से आप एक बहुत ही अच्छा 2.1 सिस्टम बना सकते हैं, अगर आप प्रॉपर स्पीकर वूफर यूज करें तो। और बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी है इसकी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इन चीजों को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और वहां से आप इसे खरीद लीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगले वीडियो तक के लिए ओके एंड बाय।